हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसा होगा अगर आपका काम घर बैठे ही सब कुछ हो जाए, आपको बैंक जाना ना पड़े, पोस्ट ऑफिस जाना ना पड़े और अदर काम के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े, आपका काम घर बैठे ही हो जाए तो कैसा होगा। सो इसके लिए फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को जोड़ना होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को कैसे जोड़ सकते हैं। ये जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ लाइव करके अभी दिखाने वाला हूँ और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा कि आप कैसे मोबाइल नंबर को आधार कार्ड के साथ जोड़ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह नॉलेज वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है पोस्ट इन्फो। तो सबसे पहले आप समझ जाइए फ्रेंड्स कि कैसे क्या करना है, ठीक है। मैं आपको लाइव करके अभी सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपको इसी के ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब कुछ आप भर लेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी है आपको यहाँ वही देख के यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे आप। तो अभी मैं आपको डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे भरिएगा तो हो जाएगा। फिर इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो आपको जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करना है, ठीक है, आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन नीचे और दिख रहा होगा सेलेक्ट सर्विस, तो राइट साइड में आपको क्लिक करना है, ठीक है, एक एरो दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, आप भी क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको कहीं पर नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा IPV आधार सर्विस, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको ऊपरी की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा सेलेक्ट, ठीक है। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, चाइल्ड 5 ईयर्स आधार इनरोलमेंट, ठीक है, मतलब 5 ईयर्स के नीचे जो भी आपका बेबी है, बच्चा है, उसका आप इनरोलमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो आपको अपडेट करने के लिए नीचे वाला में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP के ऊपर एक बार क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड करेगा, ठीक है। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे उसी पे एक OTP सेंड करेगा। सेंड करने के बाद आप OTP यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट नंबर वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, एक कॉपी में लिख के रख लेंगे। कॉपी में लिखने के बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका रिक्वेस्ट कहाँ तक क्या हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं आप, चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन आर्टिकल ट्रैकिंग, तो आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए फिर इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लिंक जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। तो आपको वही रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे फिल करके, ठीक है, कैप्चा वैप्चा डाल के, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, उसका कंडीशन क्या है, कहाँ तक क्या हुआ है, आप आसानी से घर बैठे ही ये भी चेक कर सकते हैं। और फिर आपके घर पर एक पोस्टमैन आएगा, ठीक है, जिस भी डेट को आपने सेलेक्ट किया था उसी डेट को एक पोस्टमैन आएगा आपके घर पे बायोमेट्रिक डिवाइस लेके, फिर आपका फिंगर लेगा। फिंगर लेने के बाद आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ अपडेट हो जाएगा। सो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप करेंगे तो घर बैठे ही आप आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह नई वीडियो मिलती रहेगी।